Hello everyone, I Shweta Shinde, welcome to my channel. जैसे कि हमने last video में देखा था कि कितने types के signals होते हैं, उसके बाद उसका basic term and conditions क्या होता है exist होने के लिए. तो वैसे ही हमने एक last video बनाया था मैंने periodic and non-periodic signals के ऊपर, उसका basic condition हमने देखा है वहाँ पे. तो हम आज देखेंगे how to solve the problems based on periodic and non-periodic signal. तो आपको यहाँ पे एक question दिया है, what is the fundamental frequency of the waveform shown in figure A in hertz and radian per second? और यहाँ पे एक आपको waveform भी दिया है, like this. देख सकते हैं आप, here one triangular wave is there. और आपको बोला है कि इसका fundamental frequency क्या होगा, एंड वो आपको कैलकुलेट करना है हर्ट्स एंड रेडियन पर सेकंड में. ओके, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो उसके लिए मुझे सिर्फ ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू 1/T. दिस इज़ वेरी बेसिक फार्मूला विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. मतलब जो भी आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. मतलब वो आपका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल रहेगा यहाँ पे, दैट इज़ 1/T. ओके, तो जब भी मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो उसके लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगी, एफ इज़ इक्वल टू 1/T. तो ये जो भी डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रायंगुलर वेव, तो उसमें मुझे पहले टाइम वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो टाइम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो टाइम हम कभी भी कौन सा कंसिडर करेंगे यहाँ पर, कि एक कम्प्लीट साइकिल होने के लिए जिसको टाइम लगेगा वो हमारा टी पीरियड रहेगा, दैट इज़ टाइम. दैट मीन्स व्हाट? कि एक पूरा कंप्लीट साइकिल होने के लिए जितना भी वो ट्रायंगुलर वेव को टाइम लग रहा है यहाँ पे, उसको हम टी बोलेंगे, दैट इज़ टाइम पीरियड. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ 0, 0.1 एंड 0.2. तो पूरा कंप्लीट साइकिल आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके 0.2 तक हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम टी का वैल्यू कंसिडर करेंगे 0.2 सेकेंड. ओके, डन. उसके बाद हम यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करेंगे इन द गिवन फार्मूला, दैट इज़ एफ इज इक्वल टू 1/T इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड. यहाँ पे हमने पुट किया है हमारा टी का वैल्यू. उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेटर भी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ 1/0.2, राइट? तो ये रहेगा आपका 10/2. 1/0.2 मीन्स ये आएगा आपका 10/2, विच इज़ इक्वल टू 5 हर्ट्ज. ओके, लेकिन आपको फिर से प्रॉब्लम में दिया है कि कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स एंड रेडियन पर सेकेंड. तो हमने फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारा इन हर्ट्स में ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इन सेकेंड टर्म आपको निकालना है यहाँ पे इन रेडियन पर सेकेंड. सो अगेन आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम जब भी रेडियन पर सेकंड में आपको निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो ये आपके पास फिर से एक जनरल फार्मूला दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 πf. जब भी आपको बोलेंगे कि कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, तो आप ये ईजी वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ W इज इक्वल टू 2 πf. तो अभी आपको फिर से यहाँ पर वैल्यूज़ पता होने चाहिए, आपको ओमेगा निकालना है वैल्यू यहाँ पे, तो आपको 2 πf फार्मूला भी पता है. यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज अगेन, 2 × π का वैल्यू आपको पता है 3.14 रहता है, एंड एफ, सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द एफ, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी पैरामीटर इन अबो इक्वेशन, यहाँ पे हमने निकाला है ऑलरेडी, ठीक है? तो ये एफ का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर से हम इसको सॉल्व करना है आपको ये. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट आंसर 31.4 radian per second, ठीक है? तो ये आ गया आपका आंसर इन रेडियन पर सेकेंड एंड इन हर्ट्स जो आपको निकालना था. दिस इज़ वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम जिसमें आपको सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना था. ओके, डन. उसके बाद हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक x(t) इज इक्वल टू 2 cos 100 π t प्लस 5 sin 50 t. स्टेट वेदर द फॉलोइंग सिग्नल्स x(t) इज पीरियोडिक और नॉट. तो यहाँ पे आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देख लो. पहले लास्ट प्रॉब्लम जो था हमें वहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना था, अब हम यहाँ पे
जो सिग्नल गिवन है वो पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है ये निकालेंगे। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो गिवन सिग्नल दिया है वो सिंगल फॉर्म में है या उसके साथ एडिशन में दूसरे सिग्नल भी प्रेजेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, हियर प्लस साइन इज देयर, दैट मींस दिस सिग्नल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल। ये पहला वाला सिग्नल है, ये दूसरा वाला सिग्नल है। ओके, एक सिग्नल नहीं है यहाँ पे, दो सिग्नल प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको दो टाइम पीरियड हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक निकालेंगे हम ये पहले वाले सिग्नल के लिए और दूसरा टाइम पीरियड निकालेंगे दूसरे सिग्नल के लिए। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे इसका स्टार्ट। तो पहला सिग्नल है हमारे पास यहाँ पे 2 cos 100 pi t, ये आपका पहला सिग्नल है जिसे हम x1 बोलेंगे। दूसरा सिग्नल दिया है x2 विच इज़ इक्वल टू 5 sin 50 t। डन, ये भी आपके आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है टाइम पीरियड। तो ये आपका इक्वेशन दिया है, इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल एक्सप्रेशन क्या है आपका, a cos ωt, ये जनरल एक्सप्रेशन रहेगा। ये इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है ये इक्वेशन के साथ। सो आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट हियर द वैल्यू ऑफ ω1 इज इक्वल टू 100 pi। जो भी ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा कंपेयर करने के बाद, कंपेयर मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन को देखना है कंपेयर करके। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 रहेगा कॉस एज इट इज, ओमेगा का वैल्यू 100 pi एंड टी एज इट इज। ऐसे कंपेयर करके आपको यहाँ पे पता चल गया कि ओमेगा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 100 pi है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f रहता है आपका कभी भी। बहुत ही बेसिक फार्मूला है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे f पता है आपको 1/t होता है, रेसिप्रोकल रहता है ये कभी भी टाइम पीरियड का। उसके बाद हमने f का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, दैट इज़ f इज इक्वल टू 1/t। सो ये आपका फार्मूला बन जाएगा w1, दैट इज़ ω1 इज इक्वल टू 2 pi/t। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे बन गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या काम करना है आपको, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे। दैट इज़ व्हाट, t1 इज इक्वल टू 2 pi/ω1, दैट मींस ये जो भी t है आपका यहाँ पे मैंने उसको शिफ्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, और शिफ्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 2 pi/ω1। ठीक है, तो 2 pi का वैल्यू आपका 2 pi रहेगा। ω1 इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये कंपेयर करके, जो आपको यहाँ पे मिला 100 pi। तो हमने ये यहाँ पे पुट किया, तो अगेन यहाँ पे आपको दिखेगा pi गेट कैंसिल एंड 2/100 इज विच इज़ इक्वल टू 1/50। सो यहाँ पे आपको t1 का वैल्यू मिल गया, दैट इज़ योर टाइम पीरियड 1। ओके, सेकंड कंडीशन आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड सिग्नल प्रेजेंट है। ये जो भी हमने यहाँ पे प्रोसीजर किया सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। इसका भी आपको टाइम पीरियड मिलेगा जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड t2। सो लेट अस कैलकुलेट द t2 वैल्यू। ओके, तो कैसे निकालोगे फिर से हम यहाँ पे हम फिर से यूज़ करेंगे फार्मूला जो हमारा बेसिक फार्मूला है a cos ω2t। जो भी बेसिक फार्मूला है उसको हम कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपैरिजन जैसे हमने देखा यहाँ पे, कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आएगा द वैल्यू ऑफ ω2 इज इक्वल टू व्हाट, 50 वैल्यू हमें यहाँ पे मिला। द वैल्यू ऑफ ω2 इज इक्वल टू 50। ए का वैल्यू यहाँ पे 5 रहेगा, कॉस नहीं है यहाँ पे, साइन है, तो भी ये साइनोसाइडल सिग्नल है तो इसीलिए ये सेम रहेगा। उसके बाद ओमेगा टू का वैल्यू यहाँ पे 50 रहेगा। ओके, तो उसके बाद हमारा t2 रहेगा 2 pi/ω2, दैट इज 2 pi/50। तो ये तो हो गया हमारा t2 का वैल्यू, और इसके पहले हमने निकाला था t1 का वैल्यू जो आया था हमारा 1/50। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे निकालना है कि जो गिवन सिग्नल है वो पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है। तो उसके लिए आपको चेक करना है ये जो भी रेशो आया है आपका t1/t2, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं t1/t2, t1 इज इक्वल टू 1/50 एंड t2 आएगा आपका 50/2 pi। हियर 50 50 गेट कैंसिल
एंड वी विल गेट हियर आंसर 1/2π. तो अभी आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करना है कि ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है. तो आप यहाँ पे याद रखिए चीज़ हमेशा के लिए कि जब भी आपका रेशो मिलेगा आपको T1/T2 का, वो इंटीजर वैल्यू रहेगा तो ये आपका सिग्नल पीरियोडिक रहेगा. लेकिन अगर हमें T1/T2 का रेशो इंटीजर वैल्यू नहीं मिला तो ये आपका नॉन पीरियोडिक सिग्नल रहेगा. तो हम कैसे चेक करेंगे? अभी यहाँ पे हमने 1/50 × 50/2π किया, 50 कैंसिल हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे मिला सिंपली 1/2π वैल्यू. ये हमारा वैल्यू मिल गया और आपको पता है पाई का वैल्यू होता है 3.14. तो आपको ये मिलेगा 1/3.14 × 2, दैट मीन्स ये आपका वैल्यू इंटीजर नहीं रहेगा. जैसे कि आपको पता है 3.14 मीन्स यहाँ पे डेसिमल है, 3 point यहाँ पे जो हम बोलते हैं यहाँ पे ये डेसिमल है, जिसकी वजह से इसे हम इंटीजर नहीं बोल सकते. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1/2π दैट इज़ 2 × 3.14, दैट इज़ ये आपका इंटीजर नंबर नहीं रहेगा. सो दैट्स वाई दिस सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक सिग्नल. अगर हमें T1/T2 का रेशो पीरियोडिक इंटीजर मिलेगा तो हम उसे पीरियोडिक सिग्नल बोल सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द फंडामेंटल टाइम पीरियड. लेकिन हमें यहाँ पे जो सिग्नल दिया है अभी वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, सो दैट्स वाई देर इज़ अ नो नीड टू कैलकुलेट द फंडामेंटल पीरियड. तो ये था हमारा आज का सेशन गाइज. आई होप आपको समझ में आया होगा. और अगर से आया है आपको मेरा ये सेशन पूरा कंप्लीट समझ में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो. और उसके बाद अभी टाइम है हमारा एक मोटिवेशनल कोट का. गाइज़ हम आज से एक मोटिवेशनल कोट के साथ यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आदमी को बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है. और जब भी ये फेस रहता है उसका, तो वो बहुत ही डीमोटिवेट हो जाता है. तो उसके लिए उसको मोटिवेशन का बहुत ही ज़रूरत होता है. तो उसके लिए हम आज से एक मोटिवेशनल कोट के साथ एंड करेंगे. तो आज का मोटिवेशनल कोट है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता. तो हमें संघर्ष करना ही होता है ज़िंदगी में, और उसके लिए तो हमारे पास चॉइस नहीं है. तो संघर्ष करना ही है तो क्यों ना हम उसे हंसते हंसते झेल ले और उसको पार कर दे. तो मुझे लगता है कि ये मोटिवेशनल कोट आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा. एंड थैंक यू सो मच गाइज़.